नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग द एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर द एलिवेटर में भी हमारे चार ऑप्शन है गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड या फिर गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड या फिर गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल है uh, स्नैरियो समझते हैं कि ये आपकी एलिवेटर है और ये एलिवेटर ऐसे यहाँ पे बंधी हुई है और इसमें यहाँ पे टेंशन टी है ना दिस टेंशन टी विल बी इक्वल टू एम सिर्फ और सिर्फ उस स्नैरियो में जब ये आपका या तो रेस्ट पे हो और ये आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इन दोनों स्नैरियो में टेंशन आपका एम आएगा अदरवाइज एम जी प्लस से या जी माइनस ए हो जाएगा अगर यहाँ पर अपने चार ऑप्शन देखें अगर हम ए बी सी और डी सो so, पहला ऑप्शन है गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड तो इस केस में एक्सेलेशन आ जाएगा सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट चॉइस अगर गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड है तो आपकी टेंशन ज़्यादा हो जाएगी टेंशन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ दिस विल बी इक्वल टू एम जी प्लस से हो जाएगा सो विच इज़ नॉट द केस यहाँ पे आ, दूसरा है गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड तो ये ऑप्शन भी नहीं होएगा उस केस में टेंशन जो है आपकी एम जी माइनस से हो जाएगी क्योंकि नीचे जा रही है और आपकी स्पीड ज़्यादा है तो एक्सेलेशन भी नीचे की तरफ होएगा ऑप्शन सी है गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड सो नाउ दिस वुड बी अ करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी है गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड दिस इज ऑल्सो करेक्ट चॉइस इन दोनों ही केसेज में आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होएगी हैंस आपका टेंशन जो है एम के बराबर होएगा सो इस सवाल के लिए सी एंड डी ऑप्शन आर द राइट चॉइस